हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज है रामनवमी, मतलब 10 तारीख। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले 9 दिनों से हमारा अनुष्ठान चल रहा था तो मैंने ब्लॉग नहीं किया, तो मतलब अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। अभी हम शांतिगंज में हैं, अभी अपने रूम पे ही हैं। तो अभी हम लोग मतलब नहा धो के फ्री हुए हैं, 11 बज गए, पूर्णाहुति वगैरह हो गई है, दर्शन यज्ञ जो भी यहाँ का दिनचर्या रहती वो सब हो गई। और अभी हम जा रहे हैं विश्वविद्यालय, क्योंकि वहाँ एक दीदी है, वो बहुत दिनों से मैसेज कर रही है कि भैया जाने से पहले मिल लेना, जाने से पहले मिल लेना। तो एक बार हम विश्वविद्यालय गए थे, आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, तो आज फिर से जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। पिछले बार उनसे मिलने का प्लान था पर हुआ क्या था, उनकी क्लासेस थी तो हम मिल नहीं पाए थे, तो आज जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो मिलते हैं और तो चलिए आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम निकल गए हैं, ये हमारा बिल्डिंग थी जहाँ हम रुके हुए हैं। तो अभी यहाँ से जाते हैं और हमें थोड़ा पानी भरना है बॉटल पे, क्योंकि रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ तो दिक्कत नहीं है पानी की, चाहे जहाँ पानी मिल जाता पर रास्ते के लिए थोड़ा बहुत भरना ज़रूरी है। तो अभी उसको भर लेते हैं और उसके बाद थोड़ी स्टोर जाना है, जनरल स्टोर जो शांतिगंज के अंदर ही है। ये यहाँ पे पीछे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की समाधि स्थल है। ये देखिए सजल श्रद्धा प्रखर पक गया। तो यहीं से सामने से जाते हैं और आगे वहाँ पे है, ये देखो समाधि स्थल। यहाँ पे पीछे सदवाक्य लिखे रहते हैं जो रोज़ यहाँ पे लिखे जाते हैं मैंने। और यहाँ पे यहाँ से है 2 नंबर गेट, ये समाधि स्थल। और इस तरह के कुछ सदवाक्य हैं जो रोज़ यहाँ पर लिखे जाते हैं, ये समाधि स्थल। इसके बारे में डिटेल वीडियो में जब शांतिगंज का ब्लॉग बनाऊंगा उस टाइम बनाऊंगा, अभी तो नहीं बना रहा क्योंकि अभी हमें जाना है विश्वविद्यालय। वहाँ हम दीदी हैं उनसे मिलना है और कोई इतना ज़्यादा काम तो नहीं है, और वहाँ का दिखाते हैं और आगे का। तो यहाँ पीछे शांतिगंज का भोजनालय जहाँ पर खाना मिलता है, सभी लोगों को निःशुल्क रहता है, जो भी आए अपना बनाए। और यहाँ पर एक रूल्स है कि सब लोग थाली अपनी अपनी धुलते। और पीछे हिमालय प्रदर्शनी जहाँ पर कुछ प्रदर्शनी है, अच्छी अच्छी चीज़ें, फूल, हरियाली, फूल वगैरह यहाँ पर लगाई गई है, देखो पीछे। और यहाँ से 3 नंबर गेट है जहाँ से हम जाएंगे, ये सामने दिख रहा है, और ये है प्रदर्शनी पूरी। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गेट से एंट्री करना है। बस पैदल पैदल आए, ऑटो भी चलती हैं पर थोड़ा ही पास है तो इसलिए हम पैदल ही आ गए, क्योंकि खाना खाए थे और बस चलना था तो इसलिए पैदल ही आ गए। तो बस थोड़ा दूर और है फिर एंट्री करते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं, हमारा एक कार्ड बना है जो सिर्फ यहाँ 2 घंटे के लिए मान्य है, 2 घंटे तक हम यहाँ पे पैदल घूम सकते हैं। हालांकि ये कार्ड बना दिए है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, तो 2 से 2.5 हो जाता है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि 2 घंटे ही रुके यहाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो हमारा इतने में ऑलमोस्ट काम हो जाएगा क्योंकि हमें बाहर भी जाना है और वापस शांतिगंज शाम को देशोस कर रहे हैं गंगा ही जाने का। तो यहीं पे पास में एक बुक स्टॉल है जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि थक गए काफ़ी, दूर पड़ता है कम से कम 800 मीटर, 1 किलोमीटर के समथिंग समथिंग पड़ जाता है। तो हम लोग पैदल ही आ गए हैं तो थक गए थे, इस कारण से आके यहाँ बैठ गए थोड़ी। अब हमारा प्लान आज का था ऋषिकेश जाने का पर वो प्लान कैंसिल हो गया, तो आज हम यहीं पे आ गए हैं, दीदी से मिल लेते हैं सोचा। और अभी हमें यहाँ से वापस भी निकलना है क्योंकि हरिद्वार से अब घर भी जाना है। तो हमने ये सोचा था, पहले तो ये सोचा था कि हम डायरेक्ट ही पहुँच जाते हैं जबलपुर, पर यहाँ से जबलपुर की डायरेक्ट कोई ट्रेन है नहीं, हमें कहीं ना कहीं से चेंज करना ही पड़ेगा। तो हमने सोचा कि यहाँ से पहले हम जाएँगे मथुरा, तो मथुरा में एक दिन रुकेंगे क्योंकि मेरा एक दोस्त है राजस्थान से, वो आने वाला है, उससे मिल लेंगे और मथुरा में एक दो जगह घूम लेंगे और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे तो डायरेक्ट जबलपुर पहुँच जाएंगे। क्योंकि तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है ही नहीं, हमें कहीं ना कहीं से चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे तुम निजामुद्दीन दिल्ली से करो या फिर आप कटनी से करो, कहीं से भी चेंज करना पड़ेगा, या मथुरा से करो, कहीं से भी आपको एक जगह ट्रेन बदलनी ही पड़ेगी। तो यही हमने बेस्ट चुना कि मथुरा भी दर्शन भी हो जाएंगे बढ़िया और रुक भी लेंगे और दोस्त आ रहा है उससे ही मिल लेंगे। चलो अभी फिर यहाँ कभी तो थक गई है और बैठिए थक के, कैसा लगा? थक गई है बहुत। और आज सुबह हमारी पूर्णाहुति हुई और यज्ञ हुआ और उसके बाद हमने कराए हैं पुंसवन संस्कार कविता का, तो पुंसवन संस्कार हो गया है और कुछ बुक्स वगैरह लिए हैं और हम जाने लगेंगे जब, और कुछ सामान भी लेना है तो वो सब भी लेना है। अभी यहाँ पे बैठे हैं, दीदी को कॉल करते हैं, वो आने वाली है क्योंकि उन्होंने बोला है महादेव मंदिर के पास आके कॉल करना, पर हम यहाँ पर बैठे श्रीराम उत्पत्ति ओपन है ना सामने, जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा था वहाँ पे, क्योंकि अभी ये बंद है, 3:30 बजे करीब खुलता है, सुबह 10 बजे करीब बंद हो जाता है। तो हम लोग अभी 12 बज चुके हैं, इस कारण से बंद हो गया है। यहाँ से जो रास्ता है पीछे, ये महाकाल मंदिर के लिए जाता है और यहाँ से सीधा स्टोर के लिए। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे फूल लगे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया फूल।
मिल गई है बारीक वाली रेत, इसी में खेल लग गया है इनका। इसके अलावा और काम थोड़ा जहाँ जो कुछ मिला, और बच्चे से बस खेल में लग जाते हैं। रेत है उसके ऐसे दबा रही है पैर से, दबा के देख रही है। बड़ा अच्छा लगा, बताओ रेत से खेलने किसी को अच्छा लगता है? बच्चों को अच्छा लगता है? बच्ची तो कहाँ बच्ची, बूढ़ी होने वाली बच्ची बोल रही, खुद को बताओ। बच्ची है नहीं, बच्ची थी, अब तो बड़ी हो गई। तो अभी हम महाकाल मंदिर आए हुए, दीदी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि यहीं रुकना, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट उनको बाहर फ़ोन यूज़ करने का अलाउ नहीं है, तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा जब तक दर्शन कर लेते, जब तक हुआ। तुम ब्लॉग कर रहे हो तो अभी हम वहाँ से वापस हो गए, दीदी से मिले, मिल के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, ये क्या बता, मजा आ गई। उसके साथ ऐसा लगते थे कि कुछ परा है सच में, इतना अच्छा, इतने अच्छे से बात की, इतना सम्मान, सब चीज़ें बहुत अच्छा। अभी उनका अनुष्ठान चल रहा था 9 दिन का, तो 9 दिन तक वो मौन थी, और आज हमने उनको इतना बुलवा दिया कि क्या बताएं। रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जब ब्लॉग करते हैं और ऐसे नॉर्मल बात करने से बहुत डिफरेंट आ जाता है, इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी, तो बात किया। यहाँ पर फोटो अटैच कर दे रहा हूँ, तो आप देख लेना, बहुत बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो चलो हम निकल रहे हैं शांति कुछ के लिए वापस, पैदल ही निकलते हैं, अभी बच्चों के एक। तो अभी हम गेट से बाहर हो गए हैं, कार्ड था उसको जमा कर दिए दोबारा से, और अब निकल रहे हैं रास्ते पे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम लगेगा पहुँचने में। धूप तो इतनी तेज़ है, देखो तक कैसा दिख रहा है, आँखों में पूरा डार्क दिख रहा है। तो हम पहुँच जाएंगे और पहुँच के ही मिलते हैं, क्योंकि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी, आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होगी। तो अभी हम शांति को जा गए हैं और इंटरव्यू हो गए हैं अंदर से, हमारे पास कार्ड था ये, तो हमें इंटरव्यू में कोई दिक्कत हुई नहीं। यदि कार्ड नहीं रहता थोड़ी सी दिक्कत होती है, हालांकि घुस जाने देते क्योंकि कार्ड है, यहाँ रुके हुए तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो अभी हम जाते रूम पर, थक गए काफ़ी, 1:15 हो गए हैं, और अब जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। आज भोजनालय चालू है पूरा, अभी तक यहाँ पर खाना खा रहे, क्योंकि पिछले 9 दिन से हो ही रहा था कि यहाँ पर नवरात्रि थी, तो नवरात्रि में एक ही टाइम खाना मिलता था, तो अभी तक यहाँ चल रहा है, एक बज चुके हैं। हालांकि यहाँ 24 घंटे चलता रहता है, आप जितने टाइम भी आपको खाना मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। कभी कभी होता है कि शाम को सफाई वगैरह कारण बंद कर देते हैं, अदरवाइज चालू ही रहता है। 9 दिन से बंद था, आज चालू हुआ है, तो अभी चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पानी भरेंगे और वापस जाएंगे अपने रूम पर। भोजनालय के पास नल है, ये कविता का फेवरेट नल है, क्योंकि यहाँ पर एकदम ठंडा और एकदम मस्त पानी मिलता है। तो यहाँ पर आके पानी इसने अभी पिया, और अब भर लेते हैं यहाँ से पानी, रूम पर जाएंगे, और अब बस रेस्ट करना है।